अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपने संस्कार सब कुछ भूल रहे, दूसरों का बहुत अच्छा लगता है, पाश्चात्य देशों से आया हुआ कचरा भी अच्छा लगता है, और अपने देशों के संस्कार रूपी स्वर्ण भी आपको फीका लग रहा है अपने देश का। दूसरे पाश्चात्य जगत से आया हुआ कचरा भी अच्छा लगता है, तभी तो मैं देखती हूँ हर तरफ फैशन का इतना माहौल कि देखो तो सही, किसी के बाल पीले मिलेंगे, किसी के नीले मिलेंगे, अच्छे खासे काले भगवान ने दिए हैं, और बुढ़ापा हो जाए तो सफेद हो जाते हैं, न कलर करने की जरूरत न आवश्यकता। और यहीं तक नहीं, किसी के तो आगे से बाल हैं तो पीछे से नहीं है, किसी के पीछे से हैं तो आगे कुछ भी नहीं, किसी के एक तरफ पूरे इतने लंबे, एक तरफ कुछ भी नहीं, कैसे बंदर बने हो भाई। और मन में बार बार शीशे में देख के खुश हो रहे हैं, हम कैसे बंदर लग रहे हैं, देखो बड़े खुश हो रहे हैं। और पिताजी कह दे ये क्या बनकर आ गए, अरे आप क्या जानते हो, आपने कभी फैशन की है, आपने कुछ देखा है दुनिया में, हाँ देखा तो तुमने ही है, आप कुछ जानते हो कि आज की फैशन को आप नहीं जानते, अरे फैशन ठीक है लेकिन उसमें बंदर बन जाना ठीक थोड़ी है, हद होती है किसी चीज की, एक लिमिट होती है किसी चीज की। बड़ा मुश्किल है, फैशन में कोई कम नहीं है, ना ये कम है ना आप कम पड़ रहे, एक से ज्यादा एक, और कब तक रहेगा ये बाहर का, अरे बाबरे तो ना बनो। सोचो जरा, अपने लिबास में फक्र नहीं होता, कुर्ता पजामा पहन के बड़े झिझकते हैं, आज तो पिताजी ने पूजा में कुर्ता पजामा की कह दी। मैं ये नहीं कहती कि आप जींस मत पहनो और कुछ मत पहनो, तुम्हें जो दिखे वो पहनो, लेकिन कम से कम जब कुर्ता धोती पहनना पड़े, कुर्ता पजामा पहनने, तो उसमें भी शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है कि आप जीवन की ऊंचाइयों को खूब छुओ, आसमान में उड़ान खूब भरो, लेकिन धरती पर रहना भी सीख लो, क्योंकि धरती पर ही घर बनाए जाते हैं, आसमान में घर नहीं बनाए जाते। धरातल से भी जुड़े रहो, ये मजबूती है आपकी, अगर धरती से न जुड़े रहे तो आसमान में कब तक उड़ोगे, एक न एक दिन तो यही आना है, ये भी समझो और फिर ऊंची उड़ान को भरो। कोई तरक्की के मना नहीं कर रहे हैं, शास्त्र तो कहते हैं आप जितनी ऊंचाइयों को छू सको उतना छू, लेकिन समझदार बनकर, संस्कारी बनकर, मूल से जुड़कर, धरातल से जुड़कर।